हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक की एस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि टेक्नो फैंटम वी फ्लिप में आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम डाउन बटन, जिससे हम फ़ोन की आवाज़ को कम करते हैं, और पावर बटन, जिससे हम फ़ोन को स्विच ऑफ़ करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ़ करते हैं। आपको इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने दोनों बटन्स को प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको इसके दूसरे तरीके के बारे में बता देती हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको अपने थ्री फिंगर्स को ऊपर से नीचे की ओर ऐसे स्क्रॉल करना है, एंड देन स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने थ्री फिंगर्स को नीचे की ओर स्क्रॉल किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। तो दोस्तों अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट कैप्चर ना हो रहा हो थ्री फिंगर्स से, तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल फंक्शन की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन एंड जेस्टर्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको पहले वाली जो ऑप्शन है फुल स्क्रीन कैप्चर की, आपको सिंपली इसे यहाँ से ऑन कर देना है। तो आपके फ़ोन में थ्री फिंगर्स स्क्रीनशॉट इनेबल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले से ऑन किया हुआ है, तो मेरे फ़ोन में थ्री फिंगर्स से स्क्रीनशॉट कैप्चर हो